राम राम, सत श्री अकाल व्यूवर्स। यस टू ट्रैवल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अनोखे लुधियाना शहर के टूर में निकल पड़े हैं, जहां पे हम देखेंगे फेमस बिल्डिंग्स लुधियाना की और गुरुद्वारा। सबसे पहली विजिट हमारी शुरू हो चुकी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम लुधियाना से। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूज़ियम में हमें वेल डिस्प्लेड रूरल लाइफ की झलकें देखने को मिलेंगी। आज़ादी के समय कैसा होता था हमारा पंजाब, उसकी झलक आज इस म्यूज़ियम की दीवारों में संजोई हुई है। अपनी हिस्ट्री, विरसे के बारे में ये आज के यूथ को पता होना चाहिए। इसी पर्पज़ से ये म्यूज़ियम की शुरुआत 1974 में की थी। यूथ पीढ़ी को पता लगेगा जब ही पंजाब रीजन का सभ्याचार बढ़ेगा। यहाँ पे पंजाब के लोकगीतों में मशहूर प्यारी प्यारी फुलकारी से लेके लोकगीतों में यूज़ आने वाले इकतारे जैसे वाद्य यंत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के इस म्यूजियम में खड़े हुए हैं, और इस म्यूजियम के हम ये पंजाबियत मीन्स असली उन पंजाबियों का जो हमारे दादा परदादा के टाइम के थे, उन्होंने अपनी सब चीज़ों को यहाँ पे संजो के रखा। उसमें हमारे खेती बाड़ी के सभी उपकरण इसमें शामिल हैं। घरों में किस तरह के हम मटके यूज़ करते थे, ब्याह शादियों में हमने जिस तरह के बड़े बड़े पीतल के बर्तनों में और मिट्टी के बर्तनों में अपनी मिठाइयाँ बनाते थे, और हमारे वेल्स किस तरह से हम पानी निकालते थे, ये सारी की सारी चीज़ें इस म्यूजियम में दिखाई हुई हैं। हमारी तरह तरह की तलवारें, किस तरह की कुल्हाड़ियाँ हम यूज़ करते थे पेड़ों को छांगने के लिए, पेड़ों की छटाई करने के लिए, ट्रिमिंग के लिए, और खेती में हम किस तरह की उन्नत खेती करते थे हमारे पूर्वज, ये हमें यहाँ आके पता चलता है कि एक जो आज के ज़माने में हम जिसको हर्बल बोलते थे, वो हर्बल खेती वो लोग करते थे जहाँ खाद का कोई निशान नहीं होता था। बैलों से खेती होती थी, पालकियों में बारात जाती थी, घोड़े और ऊँट यहाँ पे बड़े ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किए हुए हैं। तो इतना सोना, जैसे ये कढ़ाई कितनी बड़ी कढ़ाई है, ऐसे भंडारे चलते थे। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हुआ तो उस टाइम पर जगह जगह भंडारे किए जाते थे कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से हेल्प करने की सभी सामग्रियाँ। इस आप इस म्यूजियम की बिल्डिंग को बिल्कुल खूब ऐसे देखेंगे जैसे मेरे दादा की बिल्डिंग थी। मेरे दादाजी ने भी इसी शेप में एक बिल्डिंग बनाई हुई है गांव में। तो ये उसी टाइम की बिल्डिंग है, ये इतनी ओल्ड और मॉडर्न नहीं है। और हमारे देहाती गाँव की बिल्डिंग्स की या मकानों की जो झलक है, वो हूबहू इस बिल्डिंग में अंदर और बाहर पूर्ण रूप से झलक रही है। थैंक यू। आज मुझे मेरे 40 साल पुरानी बात याद आ गई है इस रहट की। इसी रहट से, ऐसे ही बीटो रहट से मेरे दादाजी पानी निकालते थे, खेतों में सिंचाई करते थे, और हमें भी कभी कोई इंगेज करके रखते थे। इसमें पानी भी है, और ये इसका जो स्पेस बना हुआ है इसमें पानी खाली होता है और आगे निकल जाता है। और यहाँ पे इसी तरह से बैल लगता था और इसे घुमाता था, इसी से पूरा सिस्टम चलता था। आज इसको देख के मुझे बड़ी खुशी भी है, जो मेरे लिए आदम के ज़माने की बात हो चुकी है। आज के बच्चों ने तो ये देखा भी नहीं था, और मेरे बच्चों ने देख के बड़ी खुशी महसूस की। म्यूजियम विजिट करने के बाद हम लुधियाना सिटी मॉल में थोड़ा इंजॉय और ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के दर्शन। गुरु तेज बहादुर जी 1672 में लहल का दौरा करने आए थे, और उस समय एक तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे रहे। गांव में बीमारियां कम हो गई। जिस स्थान पर गुरु तेज बहादुर जी बैठते थे, उसे दुख निवारण के रूप में जाना जाने लगा। उसका शाब्दिक अर्थ है दुखों का निवारण। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कमेंट में लिखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन महाराजा रंजीत सिंह वार म्यूज़ियम में। टिकट्स लेने के बाद आप जैसे ही एंट्री करोगे, सबसे पहले आपको महाराजा रंजीत सिंह की एक मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह राजगद्दी पर विश्राम है अपने पूरे गौरव के साथ। महाराजा रंजीत सिंह, इन्हें शेर ए पंजाब और लॉयन ऑफ पंजाब से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि
पंजाब गवर्नमेंट ने 1999 में भारत की शान शहीदों के नाम इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था। अभी तक जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे देश के दुश्मनों से, उन सब शहीदों के नाम यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं, जिन शहीदों ने भारत के हर खतरे को निश्चिन्नाबूद कर दिया, उन सब का नाम यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस म्यूज़ियम में 12 से ज़्यादा गैलरीज हैं, जहाँ पे अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग एंशियंट हिस्ट्री की गैलरी से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के दिन के बाद तक यहाँ पे सारे वॉर हीरोज के नाम जड़े हुए हैं उनकी तस्वीरों के साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे इस वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लग रहा है आपको लुधियाना सिटी टूर। ब्रिटिश आर्मी से लेके ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स से लेके अपनी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की इनिशियल ड्रेसेस से लेके अभी की तक की ड्रेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। महाराजा रणजीत सिंह वार मेमोरियल जो कि लुधियाना में बहुत ही फेमस प्लेस है, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839 तक 13 दिसंबर 1780 में वो पैदा हुए थे और समान पोक्स की वजह से उनकी लेफ्ट आई में थोड़ा डिफेक्शन आ गया था, डिफेक्ट आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के आन बान शान के लिए बहुत ही अपने हौसले से, अपने जुनून से और इस देश की रक्षा की और पंजाब प्रांत के गौरव को ऊंचा रखा। और इसी के बीच हमारे बहुत ही वाइब्रेंट एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें मिग सीरीज है, MiG-21, MiG-25, MiG-23 और हमारे T-54 टैंक्स जिन्होंने 1962 और 1971 वार में अपना जुनून दिखाया था, वो सब यहाँ पे इस वार म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने चौथे डेस्टिनेशन गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब आलमगिरी की तरफ हम निकल चुके हैं और ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये आलमगिरी लुधियाना शहर के श्री मंजी साहिब गुरुद्वारे के जस्ट सामने है। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ
अभी हम तीर सर अमृत सरोवर में डुबकी लगाकर अरदास करेंगे। मंजी साहिब गुरुद्वारा में आपका स्वागत है। ये अभी हम मंजी साहिब गुरुद्वारा में हैं और यहाँ ये आलमगीर गांव में स्थित है। ये जो तीर सर है, इस तालाब का नाम है जिस तालाब में अभी मैं बैठा हुआ हूँ। और ये तालाब 1761 में जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे उस टाइम से है। अब मैं थोड़ी इसकी कहानी डिटेल में बताऊंगा कि जब गुरु गोविंद सिंह एक महापीर के रूप में चल रहे थे तो वह एक पालकी में थे और दो सिंह गुरु उनकी पालकी को थामे हुए थे और दो मुस्लिम सिख उनके आगे चल रहे थे और एक पीछे से जो पवन सेवा कर रहा था गुरु की। तो यहाँ पे जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने जल सेवा के लिए पुकारा। जल सेवा में जब उनके पीर आए यहाँ तो उन्होंने बताया कि बूढ़ी माई ने बताया कि यहाँ जिसको कोड हो रखा था कि यहाँ तो इस जो सरोवर है छोटा सा कुआं है उसमें बहुत ही भयंकर नाग और मगरमच्छ है। हाँ, और उस नाग की वजह से आप ये पानी नहीं ले पाएंगे। तो और ये बात पीरों ने जाके महापीर गुरु गोविंद सिंह जी को बताई तो उन्होंने बताया कि चलो मुझे उस जगह पर ले चलो। तो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक तीर मारा तो वो मगरमच्छ मर गए और तो उसी अजगर को मारने के बाद वो पानी बहुत ही गंदा हो गया था, मतलब जहरीला हो गया था। तो उस जहर को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दूसरे तीर से पूरे जहर को साफ कर दिया उस तालाब को और फिर एक तीसरा तीर मारा जिसमें एक बहुत ही बड़ा फुहारा फूटा। और जब ये सरोवर उसी टाइम का यहाँ पे बना हुआ है तब उस बूढ़ी माई को भी जिसको कोड की बीमारी थी उसको कहा कि आप इस तालाब में डुबकी लगाओ, इसके बाद आपका कोड भी ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल एक सुख शांति की ज़िंदगी जिएंगे। तब से यही मंजी साहब का गुरुद्वारा यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे आने वाले हर आगंतुक हर श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाते हैं और उस डुबकी से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको फ़ायदा ना हुआ हो, उनका कोड वोड सब बीमारियाँ यहाँ भूल जाती हैं। इसलिए हम भी हलवारा से और आलमगीर मंजी साहिब गुरुद्वारा में आए हैं और देखो ये छोटा बच्चा भी कितने मज़े से और ये पापा जी भी यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, है ना। ये नज़दीक कौन से गांव से हो, कौन से पिंड है तोड़े पिंड और नीचे अभी इसके पानी का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। अभी हम डुबकी लगाएंगे, साथ में बेटा है वो भी डुबकी लगाएगा। चलो अब डुबकी लगा लेते हैं। अभी हम पवित्र जल तीरसर में डुबकी लगाकर आ गए हैं, अरदास करके आ चुके हैं और अब हम लंगर चखने प्रसादा लेने जा रहे हैं। प्रसादा चखने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे गुरु की लंगर में यहाँ सेवा करते हुए आपको दिख जाएंगे। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट। थैंक यू। We'll be right back.